एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था कि किसी माई का ना सोने का ब्रेसलेट गिर गया था, तो उसने मुझे 500 रुपए दिए थे। 40,000 भी तोला होगा मेरे ख्याल, 98-97 की बात कर रहा हूँ। मेरा नाम रहीम खान है, रहाइश मेरी मनोड़ा की है। समंदर में वक्त गुजरा है, कोई भी ऐसा मतलब पानी का जो है ना कोई चीज ऐसा गिर जाता है, मुझे मेरे दोस्त है ना फोन करते, तो बस वो मुझे पॉइंट बताते, फिर अपनी कोशिश करता हूँ। लेडीज का जो है ना सोने की चेन गिर गई थी, तो मैंने उससे पूछा कहाँ पर गिरा है, उसने पॉइंट बताया। तकरीबन 18-19 गोतों के बाद है ना वो चीज मैंने उसको निकाल के दी। मैं बोलता हूँ कि यार उसकी जो चीज है ना मिल जाए तो मुझे खुशी होती है। 95-96 में जो है ना हम छोटे होते थे, नहाते थे, तो लांची आती थी अक्सर भर भर के, उस टाइम पे पब्लिक बहुत आती थी मनोड़ा, पब्लिक को पता होता था कि यहाँ पर बच्चे पैसे निकाल, तो हम लोग बोलते थे फेंको चारना अठना, तो वो पैसे फेंकते थे। पैसे हम दरअसल में जमीन से पहुंचने से पहले उसको पकड़ लेते थे बीच में, मेरा फिशिंग का काम था। उसके बाद मुझे 2011 में नौकरी मिली और अभी केपीटी का मुलाजिम। तैरना असल नीचे जाना होता है, खाली ऊपर का तैरना नहीं होता है, पानी में नीचे जो डिप में काम करना, तैरना असल स्विमर वो होता है। 30 से 35 फीट पानी में मैं तकरीबन 50 सेकंड में ना अपना काम करके आ जाता हूँ। जितनी गहराई में जाते हैं ना तो कानों पे और दिमाग पे जोर आता है, मैं हर पॉइंट को जानता हूँ। पानी अगर थोड़ा बहुत धुंधला भी होता है तो उसमें भी अल्लाह का शुक्र काम कर लेता हूँ। और पानी का काम जो है ना मौत है, हर जमीन एक जैसी नहीं होती, नीचे चट्टाने भी होती है, लोहा कंक्रीट होता है, मखलूक पानी में वो भी होती है। 4-5 हीट पहले एक लाश डूब गई थी जिसमें 40 से 45 बंदे थे, तो हम यहाँ ऊपर जेडी पे थे, तो हमने समझा कि ये लाश जो है ना खतरे में, फिर हमने रस्सियां लेकर छलांग लगा के बंदों को जो है ना बचाया। फिशिंग की बोट में भी मैंने सरबराही में चलाई है बोट, 12-13 लोगों के बीच में एक सरबरा होता है ना, अकेला बंदा नहीं जाता, यार दोस्त के बच्चे हो गए जो भी मतलब स्विमिंग सीखना चाहते हैं, पहले तो हम उसको लाइफ जैकेट पहनाते छोड़ देते, फिर उसके आधे घंटे घंटे के बाद उसको कहते कि लाइफ जैकेट उतार दो, तो इस तरह तैरना सिखाते हैं।